सी प्रोग्राम फॉर यूनियन ऑफ टू सेट ऑफ अरे एलिमेंट्स, दो सेट ऑफ एलिमेंट्स के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आया हुआ रिजल्ट को तीसरे अरे में स्टोर करना है। समझो ये एक सेट है और ये एक सेट है, दोनों के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और सी में स्टोर करना है। यूनियन का मतलब कुछ नहीं है, दोनों को मर्ज कर देना है कि मगर कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ है तो वो एक ही कॉपी करना है यूनियन में। तो देखते हैं ये कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। देखिए ये एक सेट है, एक सेट है, ये तीसरा सेट है, इसमें स्टोर करना है दोनों को यूनियन करके सी में। तो N1 में हम ये जो वेरिएबल मैं किस लिए यूज़ करता हूँ प्रोग्राम में खुद समझ जाओगे। N1 में अरे ए का साइज़ दिया, N2 में बी का साइज़ दिया और N3 में अभी एक साइज़ तो 15 है मगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट अभी तक नहीं है तो इसलिए इसमें 0 दिया। तो अब देखेंगे तो यूनियन ऑपरेशन कैसा करते हैं। फर्स्ट ए में जो भी है उसमें कॉपी कर देना, तो ए के पूरे कॉपी कर देना। देखिए ए का साइज़ है N1 8, तो 0 से लेके लेस देन 8 बोल के लिखा हुआ है। I का वैल्यू लेस देन 8 माने 7 तक, 0 से लेके 7 तक पूरे एलिमेंट इसमें कॉपी हो जाएंगे। याफ 0 में जो भी है वो सीएफ 0 में कॉपी हो जाएगा, याफ नेक्स्ट राउंड में याफ 1 में जो है वो सीएफ 1 में कॉपी हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में याफ 2 में जो है वो सीएफ 2 में कॉपी हो जाएगा। ऐसा करके पूरे एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं। तो कॉपी हो जाने के बाद इसमें 8 एलिमेंट्स है, 8 का 8 इसमें कॉपी हो गया। अब इसका भी साइज 8 हो गया, साइज मतलब यहाँ कितने एलिमेंट उसके अंदर है। तो N1 में जो भी 8 था वो N3 को दे दिया, क्योंकि N1 का वैल्यू देखे 8 है। अब N3 को 8 इसलिए दिए हैं कि C में भी 8 एलिमेंट्स है। अब इसके कॉपी करना है, जब इसके एलिमेंट इसमें कॉपी करेंगे तो जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है उसी को कॉपी करना है। इसके अंदर ऑलरेडी है तो वो कॉपी हो गया होगा, फिर उसे कॉपी नहीं करना है। चलो ये फॉर लूप को एक बार देखो। तो N2 किसका है, बी का साइज है, बी का साइज कितना है 7 है। तो यहाँ लिखा हुआ आई की वैल्यू लेस देन 7 होना है माने कि 6 तक, 0 to 6 बोले तो 7 टाइम्स ट्रू होगा, ये 7 टाइम्स ट्रू होगा। तो मतलब इसमें जितने एलिमेंट है उतने बार ट्रू होगा। अब आएगा तो यहाँ ब्लॉक लगाया हुआ है तो इसके अंदर के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही फिर नेक्स्ट इटरेशन को जाएगा। फाउंड में 0 रख लेना। अब ये लूप कब तक ट्रू होगा, ये लूप तब तक ट्रू होगा N1 मतलब ये इसका साइज है, इसके अंदर जितने एलिमेंट है उतने बार ट्रू होगा। माने कि इसके अंदर 8 एलिमेंट है, 0 से लेकर 7 तक 8 बार ट्रू होगा, 8 बार ट्रू होगा मगर एक कंडीशन है, फाउंड में 0 होगा तभी। देखिए फाउंड में मैं 0 रखा हूँ तो 0 होगा तो ट्रू होगा। आपको डाउट आता होगा 1 पे ट्रू होना चाहिए मगर यह नॉट सिंपल है ना, फाउंड पे 0। देखते हैं आपको खुद पता चल जाएगा यह कब रुकता है। जनरली फाउंड में 0 होना है और j की वैल्यू लेस देन N1 माने के 8 के अंदर होना चाहिए। चलिए i कितना है 0, तो b of 0 मतलब कितना है, देख लो b of 0 ये i तो अब चेंज नहीं होता, इसे b of 0 ऐसा ही पकड़े रही है, ये चेंज होता रहता है। j का वैल्यू अभी कितना है, ये of 0 है, नेक्स्ट राउंड में ये of 1, नेक्स्ट राउंड यहाँ घूमता रहता है। इनर लूप एक बार स्टार्ट हुआ तो यहाँ ही चलता रहता है, वो ये of 0 ये of 1 ये of 2 ऐसा चलता रहता है। तो कहाँ पे मैच होगा, ये बी ऑफ 0 ए के 1 पे मैच हो जाएगा। पहले 0 था, ये ऑफ 0 से मैच नहीं होगा, बी ऑफ 0 ये ऑफ 0 से मैच नहीं होगा, फिर जे जब 1 होता ना, जब ये मैच होया था ये ऑफ 1 से मैच होया था, मैच होते ही फाउंड में क्या आ जाता। देखिए ये पूरा एक स्टेटमेंट है, फाउंड में मैच होते ही फाउंड में 1 आ गया, फाउंड में 1 आते ही ये फॉल्स हो जाएगा। तो अभी जे का वैल्यू लेस देन N1 होने के बाद भी ये फॉल्स क्यों हो गया, होने के बावजूद भी तो फाउंड में 1 आ गया, फाउंड में 1 हो गया तो नॉट सिंबल है ना, 1 को फॉल्स कर देगा वो, तो ये फॉल्स हो गया। तो इधर आएगा तो अब ये कॉपी नहीं होगा, ये जो बी ऑफ 0 में जो है ये के 1 से मैच हो गया, ये ऑफ 1 से मैच हो गया, इसके कारण ये वैल्यू इसमें कॉपी नहीं होगा। इसलिए कॉपी नहीं होगा कि वो मैच हो गया है, ये ऑलरेडी इसमें है मतलब वो कॉपी हो चुका होगा, फिर कॉपी नहीं होना। अब ये देखिए फाउंड में 0 रहता तो कॉपी होता था, फाउंड में 1 आने के वजह से, फाउंड में 1 आया ये नॉट 0 कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा, ये कॉपी नहीं होगा। तो चलो फिर आई वैल्यू को चलो, एक स्टेटमेंट, ये 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट के बाद फिर आई बढ़ेगा, तो आई का वैल्यू कितना था 0 था, तो अभी कितना होगा 1 होगा। चलो फाउंड में फिर 0 रख लीजिए। तो अब यहाँ के देखना, देखिए ये विदाउट यूजिंग फंक्शन है, इसके कारण थोड़ा हार्ड होगा, चिंता मत करना कि यूजिंग फंक्शन में आसान हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो यूजिंग फंक्शन है। तो अभी आई का वैल्यू 1 है, चलो अब ये 0 से शुरू हुआ, फिर ये फिर 0 से शुरू हुआ, तो मतलब ये 0 मतलब ये है लेस देन N1 मतलब यहाँ तक, फाउंड में 0 होना चाहिए। चलो ये बी के लिए है, ये
अच्छा अब आइए बी ऑफ आई का वैल्यू 1, ये ऐसा ही रहना, बी ऑफ 1 नहीं, ये कुछ चेंज होने वाला नहीं है अभी, ये तभी चेंज होगा जब कंट्रोल भीर ऊपर आई के पास जाएगा, तो ये चेंज होता रहता है। अब देखो इसको ई ऑफ 0 से, इसको ई ऑफ 1 से, इसको ई ऑफ 2 से, इसको ई ऑफ 8 से, जैसे जे बदलता रहता है, जे बदलता रहता है, जे भी 0 है, ई ऑफ 0 से कंपेयर होगा, फिर ई ऑफ 1 से, फिर ई ऑफ 2 से, फिर ई ऑफ 3 से, ऐसा कंपेयर हो रहा है, कहीं मैच हुआ तो ही इधर आएगा, नहीं हुआ ना तो ऐसा वापस, लास्ट तक मैच नहीं होता, जब जे की वैल्यू बढ़ जाएगी एन वन को तब इधर आ जाता, इधर आने के बाद तो फाउंड में 1 नहीं है, क्योंकि मैच होता तो आया था, फाउंड में 1 ही नहीं है, वो 0 ऐसा ही है। अब देखिए 0 है तो ट्रू हो जाता। अब ये बी ऑफ 1, ये जो 5 दिख रहा है ना, अब इसमें कॉपी हो जाएगा, क्यों, फाउंड में 1 है, फाउंड में 0 है, 0 है तो ट्रू हो गया, 0 क्यों है, तो मैच होता तो 1 आता था, ये यहाँ किसी से मैच नहीं हुआ इनों में, इसलिए फाउंड में 0 ही रह गया, 1 नहीं आया, वो 0 के वजह से बी ऑफ 1 में जो है ये 5 आई 1 चल रहा है, आप देख सकते हैं बी ऑफ 1 में जो है वो सी ऑफ यंत्री तो 0 है, आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में 0 में चले, ये सॉरी यंत्री यहाँ यहाँ देखिए यंत्री में 8 था, वो 8 में चल गया, देखिए 8 में जाने के बाद समझ जाना यंत्री 9 हो जाएगा, अभी यंत्री 9, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, हम ये पूरे एलिमेंट इसके ये के पूरे इसमें कॉपी होने के बाद इसमें ये इसका साइज उसे दे दिया थे माने 8, अभी जो एलिमेंट 8 में गया बी ऑफ 1 8 में गया, 8 में जाने के बाद यंत्री 9 हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, असाइनमेंट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, ऐसा करके फिर ये होगा 2 हो गया, 2 हो गया, फोन में फिर 0 रखो, जे का वैल्यू 0, देखो इसको देखिए बी आप सर्च कर रहे हैं, इस बी के बी आई 2 है, बी ऑफ 2 इसे सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे, ये पूरे एलिमेंट में, देखिए जे का वैल्यू बदलता रहेगा, ई ऑफ 0, ई ऑफ 1, ई ऑफ 2, ऐसा जे का वैल्यू बदलता मैच होता रहेगा, तो कहीं भी लास्ट तक मैच नहीं होगा, 6 शायद मैच नहीं हो, लास्ट तक मैच नहीं होता, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो ये सीधा इधर आएगा, मैच नहीं होने की वजह से फाउंड में 0 ही रहा होगा, तो ये कॉपी होगा बी ऑफ 2, देखो आई का वैल्यू 2 है, बी ऑफ 2 में जो दिख रहा है आपको 6, वो 6 सी के 9 में कॉपी होगा, और उसके बाद यंत्री का वैल्यू भी बढ़ेगा, नेक्स्ट टू 10 में जाएगा, तो यंत्री क्या होगा उसका साइज का भी काम करेगा, फाइनली पूरा कॉपी हो जाने के बाद, तो अभी कुछ एलिमेंट है 20 और 20 और जो एलिमेंट है इसके अंदर नहीं है वो कॉपी हो जाएंगे आफ्टर यूनियन। देखो यंत्री में जो रहेगा वो उसके अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे, तो उतने एलिमेंट को कॉपी करना, देखो आई 0 सी ऑफ 0 सी ऑफ 1 सी ऑफ 2 करके यंत्री जितना होगा, तो उसका समझो यंत्री आके 11 है या 12 है, तो ये सी ऑफ 11 तक एलिमेंट्स प्रिंट होंगे पूरे, तो आप यहाँ आउटपुट भी देख सकते हैं, आप ये आउटपुट भी देख सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपको यूजिंग फंक्शन मिल जाएगा, वो आसान रहेगा। थैंक यू।